हेलो गाइस, दिस सरस्वती विजय, एक्ट्रेस एंड ब्लॉगर। आज मैं फिर लाई हूँ हाँ प्रोग्रेस में एक नया घर। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि आज मैंने इतना सस्ता और इतना अच्छा घर आपके लिए लाई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मुंबई आ रहे हो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो ये घर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 10 मिनट की दूरी पर वर्सोवा बीच है, 10 मिनट की दूरी पर रेस्टोरेंट और कैफे है, 10 मिनट की दूरी पर डीमार्ट है, आपकी जरूरत की सारी चीजें वहां मिल सकती, और 10 मिनट की दूरी पर क्या और डिशन के ऑफिस है, और क्या चाहिए आसपास, सब कुछ तो आसपास है। सोचो ये घर कितना अच्छा है। रेंट सिर्फ 10,000 महीने, शेयरिंग बेसिस में रहो तो सिर्फ 5,000 महीने, डिपॉजिट सिर्फ 20,000 महीने। अब इससे सस्ता और इससे अच्छा अंधेरी वेस्ट जैसे लोकेलिटी में कहाँ मिलेगा। ये वीडियो खास करके मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जिनके कमेंट्स आते हैं मुझे सस्ते घरों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि घर कैसा है। हेलो एवरीवन, तो इससे पहले कि हम घर देखने जाए, मैंने सोचा कि आपको लोकेलिटी दिखाई जाए। तो जैसे कि वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप ये घर लेते हो तो आपको क्या इजी पड़ेगा, जैसे कि आसपास रेस्टोरेंट्स और कैफ़े है, वर्सोवा बीच है, डीमार्ट है आपकी शॉपिंग के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारी चीज़ें आपके घर तक कैसी कैसी दिखाई देगी। तो अब हम जा रहे हैं वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। अगर आप बॉम्बे नए नए आ रहे हो, अगर आप अंधेरी स्टेशन उतरोगे तो अगर वहाँ से आप मेट्रो लेते हो तो आप सीधा वर्सोवा स्टेशन उतर सकते हो मेट्रो से। अब अगर जैसे ही आप वर्सोवा उतरते हो, या तो आप बस लीजिए या तो आप ऑटो लीजिए। तो जैसे कि आप लेफ़्ट में देख रहे हो कि इतनी अच्छी अच्छी जगह है खाने पीने के लिए। अभी पीछे पॉपरेट्स गया था, वो एक कैफ़े है तो जहाँ पे आप खा पी सकते हो इफ़ यू आर हंग्री। अगर आप घर पे खाना नहीं बना रहे हो, जैसे कि यहाँ बैचलर्स रहते हैं, घर पे खाना नहीं बनाते, बाहर से खाते, तो ऐसा है। अब ये मेट्रो वर्सोवा तक की है। अब यहाँ से उतरकर आप बस और ऑटो दोनों ले सकते हो, दोनों जस्ट मेट्रो स्टेशन के जैसे उतरते हो वैसे ही मिलेगी आपको। अब ये आप लेफ़्ट में देख रहे हो, यहाँ पर सब्ज़ियाँ मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, और आगे अगर आप जाओगे, जैसे कि सीधे 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 जाओगे तो ठहरो, आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, तो अब हम आ गए हैं वर्सोवा बीच की तरफ। अभी ये आपको लेफ़्ट में जो दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स के उस तरफ बीचेस है। तो आपको आगे जाके दिखाई देगा कि इसकी एंट्रेंस कहाँ से है, और इतना सुंदर बीच है, इतना सुंदर बीच है। अगर आप शाम में थक जाते हो तो आप वहाँ बीच पे रनिंग कर सकते हो, ऐसे ही थोड़ा बैठ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। वहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि वहाँ पे कपल्स आते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। और ये लोकेलिटी जो है ना, यहाँ पे मैक्सिमम आर्टिस्ट रहती हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा रहते हैं, साजिद नाडियावाल का घर है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो लोकेलिटी है एकदम समंदर के सामने है, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट सिर्फ समंदर के सामने रहना प्रेफर करते हैं। अभी यहाँ पे लेफ़्ट में ना बहुत सारी चीज़ें गई, आपने देखा नहीं होगा, जैसे सबवे गया, WTF गया, और CCD गया। तो ये सारी कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। अभी आप ना अगर सीधे सीधे जाओगे तो जो मैंने फ्लैट अब दिखाने वाली हूँ वो सीधे ही जाकर है। हाँ, अगर आप सीधे जाते हो ना, अभी मैं यहाँ से यू टर्न ले रही हूँ, पर अगर आप सीधे जाते तो घर आ जाता। अभी अंधेरा हो रहा है तो मैं सब कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, इसलिए घर तक नहीं ले जा रही हूँ। अभी हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया, अब यू टर्न लेकर सीधे सीधे हम जाएंगे तो आसपास की और सारी जगह दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ रास्ते में आपको डीमार्ट भी दिखेगा,
तो डी मार्ट आप शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे आप घर की चीज़ें ले सकते हो, सब्जी, घर का छोटा मोटा सामान, बर्तन, किचन का सामान, कपड़े ले सकते हो, सब कुछ सब कुछ। अब हम सीधे 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 जाएंगे। अब आप ये लोकेलिटी देखिए, आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। इससे पहले अंधेरा हो जाए मुझे आपको अभी ना, जो लेफ़्ट साइड में ना, यहाँ पे आराम नगर 1 और आराम नगर 2 है, जहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं टीवी सीरियल्स के, एड के, मूवीज़ के। इसके पीछे मुकेश छाबड़ा का ऑफिस भी है, सुनील शेट्टी का ऑफिस भी है, जो सबसे बड़ा ऑफिस है ना वो यहीं पर ही है। तो ये आपको बहुत अच्छी जगह लगेगी अगर आप अंदर जाओगे। आपकी ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ वो सस्ता ही नहीं, आपके काम का भी है अगर आप मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने आए हो तो। अब ये हम जा रहे हैं वर्सोवा बीच, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुंबई में सबसे अच्छा बीच है ये, जो बहुत ही क्लीन एंड ब्यूटिफुल है। वैसे तो सारे बीचेस क्लीन है। देखो ये बीच, शाम के समय यहाँ पे सब बैठते हैं, चिल करते हैं, जॉगिंग करते हैं। यहाँ पे वाटर राइड्स भी होता है, अभी अभी वाटर राइड्स शुरू हुआ है, बोटिंग और घोड़ा गाड़ी भी होता है। अब हम वहाँ से आगे, ठीक है, बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, तो अब हम वहाँ से आगे, तो अब हम सीधे 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 मैं आपको अंधेरी स्टेशन का रास्ता दिखाऊंगी, जो सीधे सीधे पड़ता है, और आप रास्ते में देख भी सकते हो कि मुंबई कितना अच्छा है। अब हम घूम के वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था, वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, पर अब हम लेफ्ट नहीं जाएंगे, अब हम सीधा जाएंगे अंधेरी स्टेशन की तरफ। ये आपको जो लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है वो मॉल है, और राइट में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो वहाँ पे मनीष मार्केट है। वहाँ पे कपड़ों की शॉपिंग होती है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, लड़कियों के ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लड़कों के कम अच्छे मिलते हैं। और ये हम आ गए डीएन नगर मेट्रो स्टेशन, जो वर्सोवा के पहले पड़ता है, सेकेंड लास्ट स्टॉप है, वर्सोवा लास्ट स्टॉप है, ठीक है। अब हम सीधे सीधे जाएंगे, अब सिग्नल, यस नाउ वी कैन गो थ्रू। सो अब हम सीधे सीधे जाएंगे ना, तो ये आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन है, जो थर्ड लास्ट मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। उसके आगे हम जाएंगे ना तो सीधा अंधेरी स्टेशन वाला मेट्रो आता है, तो आप वहाँ से मेट्रो पकड़ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि वर्सोवा विलेज कितना इजी है पहुँचना, बस स्टेशन से उतरे, मेट्रो लिया और वर्सोवा उतरे, वर्सोवा उतर के ऑटो ले लो, या फिर आप वॉक भी कर सकते हो, 1 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके देन हियर वी गो, अब आगे का वीडियो देखते रहिए। We'll be right back.
और जैसा कि मैंने पहले बताया कि रेंट 10,000 है, डिपॉजिट 20,000 है, और अगर शेयरिंग बेसिस में रहो तो सिर्फ 5,000 महीने होगा, क्योंकि दो लड़के रहेंगे। सो गाइज, आई होप आपको घर पसंद आया है, क्योंकि सस्ते घर मुंबई में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि अगर कोई नया नया मुंबई आ रहा है तो उसे भी पता लगे कि सस्ते घर कहाँ मिलते हैं। प्लीज़ गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज और रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए। सो बाय एंड टेक केयर।